नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 5 जुलाई और बढ़ती बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह गए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पालन में बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा की तिथियों के साथ निर्धारण के चलते बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो से फिर से ओपन कर दिया। आयोग के द्वारा इस संबंध में 9 जून 2021 को जारी नोटिफिकेशन अनुसार बिहार डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 5 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू हो रही सीए फाइनल और इंटर की परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए जुलाई 2021 की परीक्षा के लिए शुरू कर दी है। जी हां, इसके लिए फाइनल इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षा 5 जुलाई से 20 जुलाई 2021 में देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के दौरान शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन होगा। साथ ही इसके अलावा उम्मीदवारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। दोनों सीटों के लिए पर्याप्त अंतर होगा। साथ ही उम्मीदवारों केंद्र कर्मचारियों के उपयोग से प्रवेश और परीक्षा स्थल के साथ ही अंदर प्रमुख स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अंतर निम्नलिखित सामान ले जाने से अनुमति हो गया है। फेस मास्क, सीट, हाथ के दस्ताने, व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, व्यक्तिगत हैंड और साथ ही सैनिटाइजर, परीक्षा संबंधित सामान या दस्तावेज ले जाने होंगे। NCHMG प्रवेश परीक्षा के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने होटल मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा NCHM के द्वारा 2021 के लिए आवेदन की तारीखों का फिर से बढ़ा दिया है। एजेंसी के द्वारा 28 जून 2021 को जारी नोटिस के अनुसार NCHMJEE 2021 के लिए उम्मीदवार आज यानी 5 जुलाई की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार 5 जुलाई 2021 की रात 11:30 बजे परीक्षा समाप्त होने के निर्धारित परीक्षा शुल्क का आवेदन भुगतान माध्यमों से माध्यम से कर पाएंगे। हालांकि उम्मीदवारों के पास निर्धारित कई तारीख का आवेदन के बाद अपने सबमिट किए गए एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए 7 जुलाई से 11 जुलाई 2021 तक का समय होगा। जो उम्मीदवार NCHM की JEE के द्वारा 2021 परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा के लिए स्टेशन परीक्षा पोस्टल NCHMG.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। रेलवे भर्ती ग्रेजुएट के लिए स्टेशन मास्टर की वैकेंसी। पश्चिम मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर के 38 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 18 पद अनाशित है। 5 पद SSC और 3 ST और 12 OBC वर्ग के लिए आरक्षित है। ये सभी भर्ती GDCE की कोचिंग से निकाली गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,710 नए मामले, फिर बढ़ा मौतों का आंकड़ा। भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का मामला फिर से बढ़ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,710 नए मामले सामने आए, इसमें से 955 कोविड मरीज की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से 43,710 नए मामले सामने आए। संक्रमित की संख्या 3,05,45,443 के पास पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी है कि देश में संक्रमण के कारण 955 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,02,500 के पास पहुँच गई है। बिहार में 136 नए मामले आए, 5 लोगों की गई जान। 24 घंटे में मात्र 36 नए मामले सामने, जबकि 284 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नए संक्रमितों से अधिक होने वालों की संख्या के आंकड़े रिकवरी रेट को बढ़ा दी गई। हालांकि मौत का आंकड़ा शून्य नहीं हो रहा है। पटना में पिछले 48 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि बिहार में 24 घंटे में 5 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार में 2 जिलों को छोड़कर सभी 36 जिलों में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 100 से नीचे है। पटना और शहर में 2 ऐसे जिले जहां 100 से अधिक मरीज एक्टिव है। बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ी, बाहर से अंदर तक निगरानी हुई सख्त। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों के बेऊर में आने के बाद जेल की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। गांधी मैदान, बौद्धगया ब्लास्ट के 16 आतंकी भी यहां पहले से कैद है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के 4 आतंकियों के आने से यहां ब्लास्ट के लिए कोई आरोपी आतंकियों की संख्या 20 हो गई है। इसमें से 3 आरोपी आतंकियों के NIA की टीम के रिमांड पर ली गई। वहीं दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी आतंकी सलीम की तबीयत खराब होने की वजह से उसे बेरू जेल के अस्पताल सेल में रखा गया है। इस आरोपी आतंकवादियों के आ जाने के बाद जेल की बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। जेल के बाहर BMP के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई, पेट्रोलिंग को भी और तेज कर दिया गया। साथ ही जेल के अंदर मुलाकातियों को कड़ी सुरक्षा के बीच से गुजरना पड़ा। कैदियों के साथ ही कैदियों से मिलने के लिए मुलाकातियों को अपना पूरा परिचय के अलावा आधार कार्ड की कॉपी के अनिवार्य करना होगा। सड़कों से जुड़ी 215 योजनाओं को स्वीकृत किया। मुजफ्फरपुर, गया, गोपालगंज सहित कई जिलों को फायदा। NHAI ने 215 योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से कई जगहों पर अंडरपास, फुट ओवरब्रिज, सर्विस लेन का निर्माण व सड़क की संरचना में बदलाव की योजना की जाए, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए खर्च संभावित है। जल्द ही इस योजना पर काम आरंभ होगा। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदलवत ने बताया कि पटना बाईपास व करमली चक्र में अंडरपास तथा मौजूद के एक फ्लाईओवर के निर्माण सड़क सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। इस निर्माण में उन जगहों पर कराए जाएंगे जिनमें पूर्व में राज्य सरकार ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। 500 से ज्यादा साइबर ठगी कर चुके बिहार व गुजरात के शातिर गिरफ्तार।
साइबर जेल और जिला किलू पुलिस टीम ने दो कुख्यात साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। इनकी पहचान 23 वर्षीय अंश श्रीवास्तव निवासी बैंक ऑफ स्ट्रीट माफिया मंडी रामनंद प्रसाद धर्मलिया जवाड़ा पटना बिहार और 23 वर्षीय मुख्य आरोपित मुकेश पटेल उर्फ मैक निवासी भावन नगर तिलक नगर नजदीक दीपक चौक गुजरात के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने कबूल कर लिया कि वह 500 से अधिक लोगों का ठगी का शिकार बना चुके। इसमें से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, यूपी, हिमाचल प्रदेश में कई लोगों को गूगल पे, एटीएम और फोनपे ओएलएक्स के माध्यम से ठगी कर चुके। ठगी करने का तरीका इनके नया था जिसे पुलिस उन पर पहुंच ना सके, इसलिए 2000 से 20,000 रुपये तक की ठगी करते दुकानदार की मामला दर्ज ना कर सके, इसलिए पुलिस छोटी रकम समझकर मामला दर्ज ना कर सके। अपराधी 1000 के आसपास नकली मेल आईडी बना चुके, इसमें वर्चुअल नंबर का प्रयोग करते हुए और टेस्क ऐप और वॉइस एसमेंट तथा लाइन 2 ऐप का प्रयोग भी करते थे। 3 गरीब रथ स्पेशल सहित 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू। कोरोना संक्रमण के कम होते यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में काफी भीड़ दिखने लगी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 04060 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर गरीब रथ साप्ताहिक स्पेशल 7 जुलाई से प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल 8:55 से खुलकर 6 बजे से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में यह 9 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार को 13:15 से खुलकर अगले दिन 12:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। जो 04074 आनंद विहार टर्मिनल गया गरीब रथ साप्ताहिक स्पेशल 10 जुलाई से प्रत्येक शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। साथ ही यह वापसी में 11 जुलाई से प्रत्येक रविवार को 8:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा व नालंदा में बनेगा मेगा स्किल सेंटर। मुजफ्फरपुर सहित दरभंगा नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इन केंद्रों पर वर्तमान जरूरत के हिसाब से युवाओं को स्किल दिया जाएगा। इन बच्चों का एडमिशन आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नहीं होगा, वे स्किल सेंटर में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए तीनों जिले में जमीन की तलाश की जा रही है। यह कहना है कि राज्य सरकार के श्रम संसाधन मिश्र जीवेश मिश्र का वे शनिवार को एलएस कॉलेज के 123वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। चंपारण के गांव में बाघ ने जमाया डेरा, लोगों में दहशत। पश्चिम चंपारण के बगुआ अंतर्गत बौद्धबर्धना थाना क्षेत्र के सिवही बरवा गांव में बाघ के हमले को लेकर स्थानीय लोग भयभीत है। घास काटने गए बाघमाछी की मौत ने लोगों को अंदर से डरा दिया है। घटना का खौफ कायम है। साथ ही वन विभाग से पहुंचे वन कर्मियों ने घटना के बाद इसे अभी तक इस गांव में ही कैंप लगा लिया है। बीती शाम से लगातार घटना के स्थान के समीप ट्रैकिंग जारी है। रविवार को डीएफओ नीरज नारायण के साथ वन पदाधिकारियों ने इस गांव का जायजा लिया। कटरा पावर सब स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी, 50 गांव की बिजली बंद। नेपाल और उत्तर बिहार के जिलों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कचौड़ा में भगवती खतरे में निशान से 1.47 मीटर ऊपर चली गई। 24 घंटे में भगवती के जलस्तर में 48 सेमी, गंदक में 34 सेमी और बूढ़ी गंदक में 13 सेमी पानी बढ़ गया है। भगवती का पानी कटरा पावर सब स्टेशन में घुस हो गया है। साथ ही इस घटना के साथ पीएसएस से शनिवार की सुबह 9 बजे 17 पंचायत के 50 गांव की बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। पीएसएस की बिजली बंद होने से बस कटरा बटेरा कटरा फीडर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बिजली आपूर्ति के साथ ही पूरी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि पीएसएस में एक साथ बागमती और लखनदेई दोनों नदी का पानी घुस गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली बंद कर दी गई है। ड्यूटी से लौट एयरफोर्स स्टाफ की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने रविवार को सुबह ड्यूटी से लौट एयरफोर्स स्टाफ सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सुरेंद्र यादव की हत्या अपराधियों ने क्यों किया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। इस मामले के नगर थाना क्षेत्र के चुनापुर पावर ग्रेड के पास के सुरेंद्र यादव चुनापुर एयरफोर्स में चतुर्वर्गीय कर्मचारी यानी इलेक्ट्रीशियन पद पर तैनात थे। बड़ा खुलासा, कंपनी बनाकर शराब तस्करी के पैसे दूसरे राज्यों में किए जा रहे थे ट्रांसफर। बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर तेजी से सख्ती बढ़ती जा रही है। धंधेबाजों पर नकेल कसा जा रही है। इसे देखते हुए तस्करों ने अपना ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया। अब दूसरे राज्यों से तस्करी की शराब मंगवाने में निजी कंपनियों के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ से अवैध शराब मंगवाने के लिए रुपए दूसरे राज्य में मौजूद इन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद से रुपए संबंधी माफिया के पास पहुंचा जाते हैं। इसके बाद शराब के खेप की सप्लाई की जाती है। इस कंपनी के नाम में ऐसे होते हैं जिसे शुरुआती तौर पर देखने से लगता है कि ये रुपया किसी व्यावसायिक लेनदेन के लिए भेजे जा रहे हैं। हाल ही में खुफिया विभाग की जांच में इससे जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। मुखिया व गांव वालों संघ अधिकारी करेंगे रात में तटबंधों की निगरानी, सभी जिलों को निर्देश जारी। राज्य भर में मानसून सक्रिय है और उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी कई जगहों पर अब घुस गया है। इस कारण से आपदा प्रबंधक विभाग ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। मुखिया व गांव के लोगों के माध्यम से रात भर तटबंधों पर निगरानी रखें, साथ ही साथ हर दिन की रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट करते रहें ताकि अचानक से बाढ़ का पानी किसी गाँव में नहीं घुस सके। निगरानी के दौरान जिला प्रशासन के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी इन बाढ़ को देखते हुए जिलों को तैनात किया जा रहा है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर पल पल की जानकारी मिल सके। बिहार में अब साइलेंसर बदलकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं।
परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को सड़कों पर तेज आवाज वाले साइलेंसर के बाद बाइक चलाने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। मूल साइलेंसर के साथ ही बदलकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना किया गया, साथ ही ऑन स्पॉट कुछ के साइलेंसर के भी बदले गए, कुछ वाहन जब्त किए गए। पहले संजीव कुमार ने बताया कि कई जगहों वाहन में मॉडिफिकेशन के साथ साइलेंसर लगवाए जाते, देखा जाते कई बाइकर्स अपनी बाइक में तरह तरह की मॉडिफिकेशन करवा लेते जिनसे लोगों को असुविधा होती है। तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जाएगी, ऐसा करने के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही संबंधित कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। बाइकर्स गैंग दोपहिया वाहनों में मॉडिफिकेशन के साथ साइलेंसर लगाकर कई बार डराने का माहौल बनाते, खासकर महिला कॉलेजों के आसपास सक्रिय होते। ऐसे बाइकर्स गैंग को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत मिल रही है कि इन स्पीड कंपनी के द्वारा बुलेट में मॉडिफिकेशन साइलेंसर लगाया जाए, जिनसे संबंधित कंपनी को भी नोटिस दिया जाएगा। अनलॉक 4 शिक्षण संस्थान खोलने की मिल सकती है छूट। अनलॉक 4 में बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट मिल सकती है। जहां 7 जुलाई से अनलॉक 4 लागू होगा। शुरुआत में विश्वविद्यालय कॉलेज और शोध संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अनलॉक 4 को लेकर शनिवार को सभी जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने फीडबैक में लिया। अनलॉक 4 में क्या किया जाना चाहिए, अभी संक्रमण में क्या स्थिति है, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक अधिकांश इस राय भी पूरी से अनलॉक 4 में किए जा संक्रमण का बढ़ने का खतरा अभी भी है, इसलिए अनलॉक 3 में लागू प्रतिबंध में थोड़ी सी सहूलियत के साथ अनलॉक 4 लागू किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिलों और विभागों के विचारों के साथ सुझाव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत में थोड़ी सहूलियत के साथ कराया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के अनलॉक 4 लागू किए जाना चाहिए। इस तरह से मंत्रीगण पदाधिकारी की मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिलों से बैठक के बाद अनलॉक 4 पर अंतिम विभागों के विचार सुझाव से निर्णय लिया जाएगा, जो 7 जुलाई से प्रभारी होगा। कन्वेंशन सेंटर के एवज में वन विभाग को मिलेगी 30 एकड़ जमीन। विकास योजनाओं के क्रियावलन से जंगल का दायरा समिति ना है, साथ ही इसके लिए वन विभाग को राजस्व विभाग भूमि मुहैया करा रहे। इसी कड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा को मूर्त रूप से वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के जंगल की 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इस भूखंड के एवज में बघा 2 अंचल खरड मौजा के मदरहनी वन विभाग को 25 एकड़ जमीन आवंटित कर रहा है। सीओ राकेश कुमार ने बताया कि 66 एकड़ भूखंड से 25 एकड़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और 5 एकड़ फूड पार्क के एवज में वन विभाग को हस्तगत की जाएगी। साथ ही 5-5 एकड़ विद्यालय तथा खेल मैदान के लिए प्रस्तावित है। शेरघाटी में 15 एकड़ जमीन पर पौधारोपण की इनरविल्स क्लब की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे पौधा लगाओ वृक्ष बचाओ अभियान में रविवार को इनरविल्स क्लब के द्वारा सनराइज से जुड़ी महिलाएं शामिल थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छोटे बच्चों को पेड़ पौधे के माध्यम से लेकर जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों के द्वारा पौधारोपण लगाया गया, बच्चों में पौधे लगाने की उत्सुकता देखी गई। बच्चों के द्वारा लगाए गए पौधे पर हमेशा उनका नाम रहेगा ताकि बच्चे पौधे से आजीवन जुड़ सके। साथ ही महिलाओं ने अपने हाथों से मोगानी आम अमरूद बरगद पीपल सीसम समेत लगभग 300 पौधे लगाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प भी लिया गया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर बिहार से गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग से चोरी गई पुलिस आवास कॉलोनी से इंस्पेक्टर के स्कॉर्पियो समेत 2 स्कॉर्पियो को हजारीबाग पुलिस ने बिहार के शेरघाटी और बक्सर से बरामद कर लिया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा पकड़ेगा। आरोपियों की निशानदेही पर गठित एसआईटी की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्य हजारीबाग से स्कॉर्पियो व बोलेरो को चुराकर बिहार के अलग अलग जिलों में आने पौने दाम में बेच देते हैं। साथ ही इन वाहनों के इंजन चेचिस नंबर पर 2507 नंबर लिख दिए जाते हैं। इसके बाद इसे आधार पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर बेधड़क सड़क पर चलाते हैं। इन वाहनों के खरीदार इस फर्जी नंबर की आड़ में उक्त वाहनों से बिहार में अवैध रूप से शराब का कारोबार करते हैं। काउंसलिंग के दिन शाम 6 बजे जारी होगी चयनित अभ्यर्थियों की सूची। प्राथमिक शिक्षा नियोजन के लिए काउंसलिंग की तिथि को अपन 6 बजे से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस अपन 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए। वेब पोस्टर पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किए जाएंगे। अपलोड करने के लिए जिलावार यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आप अपने आप को ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं समझ सकते, क्योंकि सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय के ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद आपको आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम के अनुसार आपको ड्राइविंग सेंटर्स पर हल्के मोटर स्वल्स कोर्स के लिए 4 हफ्ता में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी। इसके साथ ही 28 दिनों में आपको ड्राइविंग सीखनी होगी। अगर ड्राइविंग सेंटर्स के द्वारा आपके पास देती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई और टेस्ट नहीं देना होगा। इसके साथ ही हैवी मोटर व्हील्स यानी भारी वाहन की ड्राइविंग सीखने की अवधि 6 हफ्ता में 38 घंटे की है। पूरे राज्य में बारिश का आसार, 7 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी।
बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव जारी, इस कारण मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। कुछ इलाकों में बारिश एवं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ में 7 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही। अब तक उत्तर बिहार में भारी बारिश का आसार देखे गए हैं, लेकिन नए अलर्ट में दक्षिण बिहार में भी ऐसी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कोरोना से रिकवरी के बाद शुगर कंट्रोल के लिए इन चीजों का करें रोजाना सेवन। शुगर के मरीजों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप कोरोना संक्रमित मधुमेह के मरीज हैं तो कोरोना रिकवरी के बाद शुगर कंट्रोल करने के लिए रोजाना इन चीज़ों का सेवन करें। कई शोधों में प्रमाणित हो चुका है कि हल्दी शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। साथ ही सुबह में दूध पीने से शुगर कंट्रोल रहता है। इसके लिए रोजाना एक चुटकी हल्दी दूध में मिलाकर पिए, इनमें इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। आंवला में एंटीबायोटिक के साथ डायबिटीज के गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, साथ ही क्रोमियम भी पाया जाता है। ये अग्नाशय को इंसुलिन उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। सूप में आवश्यक पोषक तत्व विटामिन पाए जाते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो चिकन सूप पिए, वही शाकाहारी लोग सब्जी की सूप का सेवन कर सकते हैं। साथ ही रोजाना वर्कआउट और योग जरूर करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है अब्बुल, पूजा और जितेश। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपके नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस नियम में बदलाव सराहनीय है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।